आप फैला के बद्दुआ दे रहा हूँ, तो जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग करी है, जिन लोगों ने उन्हें भेजा है, अल्लाह उनको ऐसी अजियत में मुब्तला करियो, अल्लाह ने ऐसी अजियत में मुब्तला करियो मेरे मौला कि मौत मांगे और मौत में आए। अमजद साबरी की वालदा से मैं मिला और सिर्फ उनका एक मुतालबा है कि मेरा बेटा भी हजारों और लोग जिन्हें शहीद किया गया, कत्ल किया गया, हज़ारों बेगुनाह लोगों की तरह मेरा बेगुनाह बेकसूर बेटा भी शहीद किया गया है। पूरी कौम मुझसे इजहार ताज़ियत करे, लेकिन पूरी कौम मुझे ये भी यकीन दिलाए कि अब किसी और माँ का बेटा उससे नहीं छीना जाएगा और मेरे बेटे के कातिलों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और कैफर किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। अगर आपने इन नाइंसाफियों और ज्यादतियों का सिलसिला नहीं रोका, अगर आप समझते हैं कोटा सिस्टम पे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, और आपको मैं साफ तौर पे कह रहा हूं भाई 40-60 नहीं होगा, अब 50-50 होगा। 50-50 पे आप गुजारा होगा, आपको अच्छी लगे बुरी लगे नौकरी भी 50%, तरक्याती काम भी 50%, क्योंकि सिंध में रहने का हमारा फार्मूला यही है, सिंध में होगा ऐसे गुजारा, आधा हमारा आधा तुम्हारा, इसके अलावा कोई फार्मूला एक्सेप्ट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफ़साल। नाज़रीन, कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ साहब ने कराची में रेंजर सिंध के हेडक्वार्टर का दौरा किया, आला सतह इजलास वहां पर था और कराची में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया, जहां पर रेंजर्स की अभी तक की कोशिशें हैं, काविशें हैं इस शहर में अमन के क्याम के लिए उनको सराहा गया, जो रेंजर्स की जानिब से कुर्बानियाँ दी गई हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। वहीं पर साथ ही साथ ये भी देखा गया, इस बात का भी जायजा लिया गया कि दोबारा से ये जो एक नई लहर देखी है टेरर की, ये क्यों है, इसके मुहरकात क्या हैं, और साथ ही साथ जितने भी कमांडर्स वहाँ मौजूद थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान वहाँ पर मौजूद थे, उनको ये आर्मी चीफ की जानिब से हिदायत दी गई कि इस शहर को मुकम्मल तौर पर अमन का गहवारा बनाया जाए। और जो रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे का अगवा है या फिर अमजद साबरी का कत्ल है, उसके जो भी पसे पर्दा मुहरकात हैं वो आवाम के सामने आए और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें भी कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। अमन अमान के हवाले से कराची में कल की जो मीटिंग थी, जो बहुत लंबे घंटों के लिए चली, उसका तो ये एक खुलासा हमारे सामने आया ही, लेकिन जो सियासी जमातें कर रही हैं, जहां एक तरफ ईद के बाद हमें यहां पर विफाक के हवाले से हम बात करें तो भरपूर अंदाज में पैनामा लीक्स के मामले पर लेकर अपोजिशन जमातें ये कहती नज़र आ रही हैं कि बाकायदा तहरीक चलाएँगे ईद के बाद, वहीं पर कराची के शहर के अंदर मुतहदा कौमी मूवमेंट बहुत सारे इशूज़ का जिक्र कर रही है, चाहे वो बिजली की बंदिश हो, पानी की फराहमी का मामला हो कि पीने का साफ पानी लोगों को मुहैया नहीं किया जा रहा, कचरे का मसला हो या फिर एक नए सूबे के कयाम का मामला, ईद के बाद इनकी डिमांड किस तरीके से पुरजोर शिद्दत इख्तियार करेगी, ये भी मुतहदा ने कहा है कि तहरीक बाकायदा तौर पर चलाकर ईद के बाद ही बताएंगे। वहीं पर एक नई पार्टी, एक नौजायदा पार्टी, पाक सरजमीन के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को यह हिदायत की है, एज अ वार्निंग ये पैगाम दिया है कि करप्शन का खात्मा किया जाए, नहीं तो उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा वो भी ईद के बाद सामने आवाम के रखा जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और पाक सरजमीन आने वाले दिनों में क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी, ईद के बाद कौन से वो अवामिल हैं जिन पर हमें तहरीक या एहतजाज नज़र आएगा, इन पर आज हम बात करेंगे कराची के साबिक नाजिम और पाक सरजमीन के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम।
अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, कराची जिस शहर में आप बैठे हैं इस वक्त मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वहाँ किस तरीके से अमन बहाल हुआ, वहाँ शहर की रौनकें हमें वापस आती नज़र आईं। तो ऐसे में ये दो इंसिडेंट्स जो हो गए, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहबजादे का अगवा हो जाता है, अमजद साबरी का कत्ल हो जाता है, ये एक नई लहर जो टेरर की है, इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, दो इश्यूज़ हैं। मैं पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो स्पेस क्रिएट करती हैं कोई भी ऑपरेशन करके, और वहाँ पर जो भी मुकामी हुकूमतें होती हैं, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो सिविल इदारे होते हैं, उनको उस जगह को, उस खाली जगह को पुर करना होता है अपनी गुड गवर्नेंस के जरिए, अपनी पुलिसिंग के जरिए और अपनी कम्युनिटीज़ को सर्व करने के जरिए। जो दूसरा पार्ट है, इन्फोर्समेंट हो गई, ऑपरेशन हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया, एक वक्ती तौर पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें चेंज नज़र आती हैं, लेकिन हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि ये देर पर नहीं हो सकती अगर गवर्नमेंट अपना रोल प्ले ना करे। एक पार्ट तो उसका ये है, और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही। यहाँ पर पुलिसिंग ठीक नहीं है, पुलिस जो है वो खातिर ख्वाह जो है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, पुलिस के अंदर पुलिस के रिफॉर्म में पुलिस रिफॉर्म नहीं हुई। यहाँ पर जो इदारे हैं लोगों की बेसिक फैसिलिटीज़ के हवाले से, पानी, सीवरेज, हेल्थ, एजुकेशन, वहाँ पर कोई ऐसी कोई खातिर ख्वाह कोई चीज़ नहीं है। रोड का, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाहाल है, यहाँ पर शहर कचरा कुंडी बनी हुई है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन भी जो किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो जो वर्कर्स हैं, जो लोग जो फ्रंट पे हैं उनको एड्रेस किया गया है, जो इसके पीछे जो इसके प्लानर हैं, जो इसके तमाम मौजूद हैं तमाम चीज़ों के, उनको एड्रेस नहीं किया गया। अगर आप फर्ज करें कि एमकेएम के कारकुनों के ऊपर, एमकेएम के लोगों के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये टारगेट किलर हैं, ये रॉ के एजेंट हैं, और डेफिनेटली वो जाके कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स करते हैं, तो जो रॉ के एजेंट बनाने वाले लोग हैं, जो रियल रॉ के एजेंट हैं, वो रॉ के एजेंट तो रोज़ाना तकरीर कर रहे हैं 5 दफ़ा दिन में। उनके जो है वो जो पार्लियामान के लोग हैं जो कि साथ साथ इसमें तमाम चीज़ों में शामिल हैं, उनसे तो बैठकर हुकूमत मजाकरात कर रही है, उनको प्रोटोकॉल दे रही है, उनके आगे पीछे मोबाइलें चल रही हैं, फोन उनके पीछे जो सिक्योरिटी चल रही है। तो ये दोहरा निज़ाम है, ये दो रुख है ये सारा, ये और इसमें बिल्कुल इसका मौकरी है, मजाक है तमाम चीज़ों का। अदरवाइज मैं तो इसलिए कहता हूं कि भाई इन लड़कों को भी छोड़ो ना, जिनको आप रॉक एजेंट या टारगेट किलर बनाकर आप पेश कर रहे हैं, आप इनको भी आप रिहा करें, इनको भी छोड़ें जेलों से। मुस्तफा कमल साहब, ये बड़ी अहम बात आपने जो की है, क्योंकि आप पहले भी अपना नुक्ता नजर वाजे कर चुके हैं, पासर जमीन पार्टी का जो नुक्ता नजर है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो इस शहर का अमन खराब कर रही है, रॉक एजेंट्स आप उन्हें कह चुके हैं, ये बड़ी अहम बात है जो आप कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि उन कारकुनान को भी गिरफ्तार किया जाता है, उनके वीडियो पैगामात भी किसी ना किसी तरीके से मीडिया में रिलीज हो जाते हैं, वो भी जो भी वो इंकशाफात आवाम के सामने लाते हैं वो भी हम सुनते हैं, लेकिन फिर उनके पीछे जिनके नाम मारे होते हैं उनके पीछे छुपे लोगों तक हाथ नहीं जा रहा। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो बताया जाता है कि जी सरफराज मर्चेंट साहब आ रहे हैं यहां इस्लामाबाद, आते हैं बयानात रिकॉर्ड करा रहे हैं, होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में जब कुछ होगा नहीं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी क्या ये कहने में क्या वो जायज़ राइट नहीं रखते कि जी हमें तो सिर्फ इल्जामात का निशाना बनाया जा रहा है, अगर हकीकत है तो हमें पकड़ें फिर बताएं आवाम के सामने लाएं। ये वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको जो है वो कोई पकड़ेगा नहीं, मुझे पता है, उन्हें भी पता है, लेकिन वो इससे पहले अपनी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। शादी आपको ये थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा, इसमें स्कॉटलैंड यार्ड को वो तमाम अपनी पूरी पूरी किताब लिखवा चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, इंडिया से कनेक्शन पे और तमाम जो दूसरे मामलाते हैं उस पर वो रॉक एजेंट होने के तमाम सबूत सामने दे चुके हैं और उनके सामने रख दिया गया। जब डॉक्टर इमरान फारूक के घर से उनके मर्डर के बाद जब डॉक्यूमेंट्स लेकर गई है स्कॉटलैंड यार्ड, उसके बाद जब जनाब अल्ताफ हुसैन साहब को, अनवर साहब को, मोहम्मद अनवर साहब को और तारिक मीर साहब को जब बुलाया गया और उनसे इंटेरोगेशन की गई, तो उन्होंने सारी बातें मान ली है, पूरी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है। ये मुस्तफा कमाल या उनके लोग नहीं कह रहे, ये अल्ताफ हुसैन साहब की कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है जिसको स्कॉटलैंड यार्ड ओन करती है, जिसको स्कॉटलैंड यार्ड ओन करती है। वो पेपर जो सरफराज मर्चेंट साहब के जरिए बाहर आया है, उस पेपर को स्कॉटलैंड यार्ड ने, दो पेपर आए, एक 8 पेजेस का है और एक पेज का है। एक पेज का जो पेपर है जिसके ऊपर 4 लाइनों में बैकग्राउंड लिखा हुआ है, उस बैकग्राउंड में ये स्कॉटलैंड यार्ड सरफराज मर्चेंट को बता रही है कि अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद अनवर और तारिक मीर हमारे पास आए थे और उन्होंने अपने 22 सालों से एमकेएम रॉ से कनेक्शंस के तमाम चीजों को एक्सेप्ट किया है, उससे पैसे लेने को एक्सेप्ट किया है और पाकिस्तान में कार्रवाइयां करने को एक्सेप्ट किया है। अब सरफराज मर्चेंट साहब आप बताइए,
कि आप इस बारे में क्या जानते हैं। ये स्कॉटलैंड यार्ड पूछ रही है, उनको बता करो उस पेपर को, स्कॉटलैंड यार्ड ने ऑफिशियली ओन किया है। फिर एक 8 पेजेस हैं जो तारिक मीर साहब के कॉन्फेशनल स्टेटमेंट है, जिसको स्कॉटलैंड यार्ड ने यह कहा कि हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि तारिक मीर साहब के वकील ने इस पेपर को जो है वो आउट किया है, और वो उनके कंटेंट से स्कॉटलैंड यार्ड उसकी कंटेंट से नहीं डिसएग्री कर रही। और उसमें तारिक मीर साहब जो कि उस मीटिंगों में खुद मौजूद रहे, वो ये बता रहे हैं स्कॉटलैंड यार्ड को, पेपर्स में बता रहे हैं कि 4 दफा अल्ताफ हुसैन साहब, तारिक मीर साहब, मोहम्मद अनवर साहब और डॉक्टर इमरान फारूक साहब यूरोप के 4 शहरों में रॉ के चीफ से बाकायदा मीटिंग कर चुके हैं, कई कई दिनों की मीटिंग्स कर चुके हैं। उन पेपर्स को, इन तमाम इल्जामात को, सारी चीजों को जो कि इल्जामात नहीं, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट को, तारिक मीर जिंदा है, मोहम्मद अनवर जिंदा है, अल्ताफ हुसैन जिंदा है, ये नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। नहीं, ये इन्होंने ओन किए, स्कॉटलैंड यार्ड ने भी ओन किए सारी चीजों को, सादिया इसको ओन किए उन्होंने। आज आप देखेंगे जरा सी कोई बात होती है, दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं एमकेएम वाले, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी तमाम कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स को मीडिया पे, तमाम जगहों पे सारी चीजें चल गई, आज तक इन्होंने कभी इसको डिनाई किया। अल्ताफ हुसैन भी जिंदा है, तारिक मीर भी जिंदा है, मोहम्मद अनवर भी जिंदा है, कोई इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वालों को कि नहीं मेरे नाम से तारिक मीर कह रहे हैं जो चली आए प्रेस के सामने, अनवर एम अनवर के नाम से, साहब के नाम से, अल्ताफ हुसैन साहब के नाम से चल रही है आए। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि क्या हम ये टीवी पे यही बातें करते रहेंगे और इसी तरह से लोग मरते रहेंगे और ये सारा तमाशा चलता रहेगा। बात ही क्या, हुकूमत क्यों नहीं कर, भाई हुकूमत क्यों करेगी, हुकूमत को आप आज गिराने निकले, आप देखें हुकूमत आपको बंद कर देगी। अल्ताफ हुसैन साहब से ज्यादा अच्छा ब्लैकमेल करने वाला जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर रही, ये सवाल है। मुस्तफा कमाल साहब एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आकर मैं आपसे यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू करना चाहूंगी। और ये भी सवाल बनता है कि वजीरे दाखिला चौधरी निसार साहब की जो एमक्यूएम के हवाले से या इनके खिलाफ शवाहिद के हवाले से उनके लहजे की जो सख्ती थी वो इतनी मध्यम क्यों पड़ती चली जा रही है, ये भी एक सवाल करेंगे मुस्तफा कमाल साहब से एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वी आर इन कन्वर्सेशन विद मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म साहब का एक क्लिप वो सोशल मीडिया पे भी बड़ा चला, टीवी चैनल्स ने भी चलाया कि इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म ने मीडिया से बात की थी और एमक्यूएम को एक टेररिस्ट जमात के तौर पर जो है वो डिक्लेयर किया था। फिर वज़ीर दाखिला साहब भी मुख्तलिफ हवालों से, चाहे वो रॉ की फंडिंग का मामला हो, डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का मामला हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला हो, तो वो एग्रेशन बड़ा उनके लहजे में नज़र आता था। अब वो सुनाई नहीं देता है, वो एग्रेशन कहीं गायब हो गया है, इसकी क्या वजह है कि इसको भी एमक्यूएम को भी इन तमाम चीज़ों को एज अ कार्ड यूज़ किया जाए वफाक हुकूमत की जानब से पानामा लीक्स के तनाजुर में या किसी और हवाले से कि जब ज़रूरत पड़ी तो मुत्तहिदा को साथ में लाया जा सके? मेरा ये ख्याल है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट है सारा कि हमने अपनी हुकूमत की सलामती को मुल्क की सलामती पे जो है वो ज़्यादा फोकियत दे दी है और हम और ये, लेकिन ये हॉन्ट करेगा बाद में, ये सब चीज़ें इनको हॉन्ट करेंगी अगर जो हुकूमतों का रवैया है। या तो मैंने पहले दिन कही ये बात देखिए, या तो ये सारी गुफ्तगु ख़त्म कर दें, क्लीन चिट दे दें ना आप, मैं उसके बाद बोलना छोड़ दूंगा और आप कह दें कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है और ये मुहिब वतन लोग हैं और ये सारी जितनी भी बातें हमने की हुई हैं, इन लोगों ने की हुई हैं, सारी बातें गलत हैं, दुनिया खामोश हो जाएगी, या तो हुकूमत इनको क्लीन चिट दे दे। हुकूमत खुद इनके ऊपर जो है वो 10 चीज़ें कह चुकी है, बता चुकी है, दिखा चुकी है, और ये खुद जो है वो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, रहमान मलिक के सामने साहब के बाद सामने बात कर चुके हैं, वो उस वक्त वफाकी वजीर थे, चौधरी निसार साहब भी खुद बात कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको सारी चीज़ों की नॉलेज है। एमक्यूएम इसको डिनाई नहीं कर रही, एमक्यूएम खुद कॉन्फेशनल स्टेटमेंट्स दे चुकी है। उसके बाद आप मज़ाकरात करें, इनके लोगों से मिलें, इनकी सारी गुफ्तगु उसी तरह से चल रही है, सिर्फ आप टीवी पर अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं दिखाते ना, जिन लोगों को पकड़ना चाहिए वो नहीं पकड़ा जाता, कातिलों को पकड़ा जाता है, तो इस प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है। मुझे एक बात बताइएगा, अभी पिछले दिनों हम मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, ठीक है, पिछले दिनों एमक्यूएम हकीकी के सरबरा आफाक अहमद साहब की जानिब से एमक्यूएम को एक पैगाम भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि कराची की खातिर, कराची के लोगों की खातिर, यहाँ के शहरियों की खातिर, यहाँ के अम की खातिर वो 90
बढ़ाने को तैयार हैं। तो ये जो सडन चेंज आया, इसकी क्या वजूहात हैं कि हकीकी जो है वो मुत्तहिदा का रुख करने को तैयार है? क्या इसके पीछे भी कुछ पाक सरजमीन की वजह से ये राबता मुमकिन हो रहा है? बहुत सारे लोगों ने ये सोच बना रखी थी अपनी कि बस अब एमक्यूएम फेज आउट हो जाएगी या एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब फेज आउट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो हम मजे करेंगे शहर के ऊपर, हमारा हम हैं यहां पर। उसमें एमक्यूएम में कुछ लोग भी शामिल हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का नाम तो मैं ले चुका हूं, नदीम यूसुफ साहब का नाम मैं ले चुका हूं। भाई ये सब लोग अल्ताफ हुसैन साहब के पकड़े जाने के और मारे जाने का इंतजार कर रहे हैं कि वो जाएंगे तो इनके हाथ में हुकूमत आएगी, इनकी इनके हाथ में क्यादत आएगी, इनकी झोलियों में क्यादत गिर जाएगी। फिर अब तक उन्होंने लूटा अल्ताफ हुसैन साहब ने, उसके बाद ये लूटेंगे लोगों को। इन्होंने लोगों को भेड़ बकरियां समझ रखी, तमाम लोगों ने ना कि लोग भेड़ बकरी जानवर हैं, पहले अल्ताफ हुसैन मजे करें उसके बाद अब ये मजे करें। इनको इस बात से गर्ज नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब इस कौम की कैसी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, उसको बेड़ा गर्क कर रहे हैं, बच्चों को मरवा रहे हैं, बच्चों नस्लों को तबाह कर रहे हैं। इनको अपनी अपनी लीडरी की फिक्र है। मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी ने आकर इनकी लीडरी का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी ने आकर लोगों को आवाज लगा दी है, इसलिए मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी बुरे लगते हैं, पाक सरजमीन पार्टी इसलिए बुरी लगती है। हमने हम भी ये काम कर सकते थे एमक्यूएम में बैठ करके, हम भी इंतजार करते अल्ताफ हुसैन साहब के जाने का, मरने का, उनके पकड़े जाने का। हमसे बड़ा फिर जो है वहां पर उम्मीदवार कौन होता इन, लेकिन हमने नहीं किया, हमने छोड़ दी पार्टी गलत और सही के ऊपर, और आज हम आए ये सोच कर नहीं आए। और हमें पता अल्ताफ हुसैन ठीक है, तो यानी एक तरफ अगर आफाक अहमद की बात करें, हकीकी की बात करें तो एमक्यूएम को नहीं, ये मेरा जुमला मैं ये भी बता दूं, ऐसे लोग अल्ताफ हुसैन की तरह के लोग, अल्ताफ हुसैन साहब की तरह के लोग नहीं मरते। बेवकूफी है फारूक सत्तार की और दूसरे लोगों की। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला निशान इबरत जब तक नहीं बनाएगा इस दुनिया में, उसकी जान नहीं लेगा। और अगर अल्ताफ हुसैन की तरह के लोग मर जाएं तो मेरा और फारूक सत्तार का इम्तिहान कैसे होगा कि आज अल्ताफ हुसैन को वो खुदा मानते हैं, मैं अल्लाह को अल्लाह मानता हूं सिर्फ। अगर ऐसे लोग उठ जाए ना जमीन से तो फारूक सत्तार सबसे ज्यादा तेज आवाज में गाली बक रहे हैं अल्ताफ हुसैन को। तो ऐसे लोग नहीं उठाए जाते, माने मेरी बात, जब तक ऐसे लोगों के लोग इस इबरत का निशान नहीं बन जाए एक एक इंसानों के दिल में, उसकी मौत नहीं आएगी, और वो बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अच्छा मैं शहर कराची की अगर बात करें, आप कह रहे हैं कि निशान इबरत अल्लाह बनाना चाहता है, लेकिन कराची में अमन के लिए जो कोशिशें हैं वो हमारे सामने एक तरफ तो हैं, लेकिन फिर भी मासूम लोग मर रहे हैं। और उसमें सर फहरिस्त में जिक्र करना चाहूँगी अमजद साबरी का एक रीसेंट इंसिडेंट है, उनकी शहादत का वाक़या सबके लिए एक बहुत बड़ा वाक़या है, धचका है। और एक ऐसा शख्स चला जाता है जो मुल्क का असासा था, उस पर भी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने पाक सर ज़मीन पर इल्ज़ामात लगाए। ये दो साउंड बाइट्स हैं, ये मैं आपको सुनवाना चाहूँगी। एक तो जो चले ट्वीट्स नदीम नुसरत साहब ने और मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब ने किए, लेकिन वसीम अख्तर साहब जो कि कराची के नामजद मेयर हैं, वो और फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा, ज़रा ये सुन लीजिएगा मुस्तफ़ा कमाल साहब। अमजद भाई को थ्रेट्स आ रही थी, कॉल्स आ रही थी, ये हमारे इल्म में है, मुझे भी पता है। 5 दिन पहले अरशद वोरा भाई के घर पे उन्होंने दुआ कराई, डिनर था, खत्मे कुरान था, मेरे साथ अमजद शाबरी बैठे हुए थे, मैं 5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मेरे कान में उन्होंने कहा कि शहर के लोगों की कॉल्स आ रही हैं। मैंने बोला कॉल्स मत उठाया करो, जो कॉल आए उसको आप ऐसा फीड कर लो। उनको यहाँ तक कहा था कि 25 तारीख को हमारे यहाँ इफ्तार है, तो ऐसा ना हो कि फिर कोई लेने आए, आखिरी अल्फाज ये भी थे ना, तो आ जाइएगा है। उसने एक हफ्ता पहले हमें बताया कि उसने किसी का इवेंट और प्रोग्राम लेने से मना किया, क्योंकि ये उसके मिजाज, उसकी मर्जी और उसके नज़रिए के मुताबिक नहीं था। तो ये बात मैंने कौमी असेंबली, उसने हमें ये बताई थी, तो जो तहकीकात करने वाले इदारे होंगे उनके सामने हम ये बात लाएंगे। जनाबे वाला मुस्तफ़ा कमाल साहब खयाबान शहर से, वो कहते हैं उन्होंने बताया कि उन्हें फ़ोन आ रहे हैं और 25 को इफ्तार है, आ जाइएगा वरना हम ले आएंगे। जी हमारा भाई था वो अमजद, दोस्त था, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, और हज़ारों के मजमे में भी कहीं से उसकी दूर से नज़र पड़ती थी तो लपकता था, ठीक है। और मुझे पूरे पूरे पूरी पूरी इस शहर में, पूरे शहर में कोई और नहीं मिला पाक से ज़मीन पार्टी को, एक कवाल मिला सिर्फ बेचारा, जो कि अनहाम सा और ऐसा आदमी था सारा। ये फारूक सत्तार साहब और जो दूसरा जिस
आदमी का आपको कर रही हैं उसको इन सब लोगों को एजेंसीज को कस्टडी में लेनी चाहिए, इनको ले लें, उनको दोनों को इनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लें जी। और इनसे पूछें कि इनके कान में इनके कानों में जो जो इससे इन्हीं से शुरू करें इन्वेस्टिगेशन और आ जाएं, फिर उसके बाद जो बताते हैं उसके बाद हम तो बैठे हैं यहाँ पे, आ जाएं ठीक है। इनको लें लेकिन इनसे जरूर पूछें इसलिए कि आधे घंटे के बाद 10 मिनट के बाद इनको ये पता चल गया कि जो अमजद को किसने मारा। उन्होंने कौमी असेंबली में ही बात कर दी थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, फारूक सरदार साहब ने बात कर, हाँ बिल्कुल 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 कर दी उनको 10 मिनट में बात पता चल गया। तो इनको पास इनके पास तो बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस है सारी चीजें कर ले, और इसको ये इतने जालिम लोग हैं कि अपने लोगों को मारना इनकी हिस्ट्री रही है। वो तो अभी अल्ताफ हुसैन साहब की आप यहाँ पर उनकी वीडियोस नहीं चलती ना, तकरीरें नहीं चलती, वरना अल्ताफ हुसैन जो है वो अभी मीडिया को जमा करके लंदन में वो शाम गरीबा पढ़ रहा होता ही है और वो रो रहा होता, आंसू गिरा रहा होता, जिस तरह से इमरान फारूक के मरने पर वो जो है वो आंसू बहा रहा था। फिर बाद में कौन पकड़े गए इमरान फारूक के कत्ल में, अजीम अहमद तारिक के कातिल कौन पकड़े गए, हाँ, और यहाँ पर और जो दूसरे लोग हैं इनके, तो ये तो मास्टर की नजर में अमजद साबरी का कातिल कौन है, उनका कत्ल किसने किया? मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं इनकी तरह मैं भी क्या बोलूं, मैं अभी अपने अल्फाजों को बहुत ज्यादा रोक रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे 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 मेरी जुबान से कोई ऐसी चीज ना निकले। ये इतने जालिम लोग हैं, लेट दी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो डू देयर जॉब। और ये बिल्कुल, और ये आप जिनकी क्लिप दिखा रही हैं इनको, जब पूरी पाकिस्तान, इन्होंने क्या किया एक्चुअली, इन्होंने हमें हमारी पार्टी को क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की है, इन्होंने अल्ताफ हुसैन और उनके हवारियों ने क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की कि भाई हम तो टारगेट किलर हैं मशहूर, लेकिन ये लोग भी ऐसे ही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारा कंडक्ट आया पिछले 3-3.5 महीनों में, उस कंडक्ट को देखते हुए लोगों ने देखा कि हम पर पत्थर पड़ रहे हैं, हम पर लोग हमारी गाड़ियों पर इनके लोगों ने जो है पत्थर मारे, हमें डंडे बरसाए, हमने तो पलटकर एक गाली नहीं बकी है, पत्थर नहीं बरसाया, पत्थर नहीं मारा, एक हवाई फायरिंग अपनी दफा में नहीं की। हम यहां पर अपने लड़कों को रोजाना तरगीब दे रहे हैं कि हमें असले की सियासत नहीं करनी है, हमें सीधे रस्ते पे चलना है, हमें गुनाह पे नहीं चलना, हमें लोगों को गले लगाना है, लोगों को जोड़ना है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी है। तो मैं तो यहां पर जो कर रहा हूं अल्लाह का शुक्र उसके बिना पर पूरे पाकिस्तान ने इनको रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान के मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इस वाली बात पर कि आप गलत बात कर रहे हैं कि PSP पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो अगले दिन इनके लोगों ने टीवी पे आकर कहा नहीं हमने तो ये वाली बात ही नहीं की है, हमने तो सिर्फ बताया है एजेंसीज को, बताया है कि थ्रेट्स आ रहे थे, ठीक है। लेकिन आपके आप जो बड़े सख्ती से तर्दीद करते हैं, जो इल्जामात इन्होंने आप पे लगाए अमजद साबरी के कत्ल के हवाले से, तर्दीद तो जो है बड़ी अजीब बात है कि मुझ पर मैं इस वाली बात की भी तर्दीद करूं, मैंने तो इसका नोटिस ही नहीं लिया है, ये तो इतनी बेहुदा बात है कि मैंने इसका नोटिस ही नहीं लिया है, मैं तर्दीद क्या करूं, मैं अमजद मेरा भाई था यार। एक ब्रेक ले लें मुस्तफा कमाल साहब, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और भी अहम इश्यूज हैं, और खासकर पाक सरजमीन पार्टी ईद के बाद किन इश्यूज पर सड़कों पर आने का इरादा रखती है, वो क्या मुहरिकात हैं, क्या कराची के अवाम के लिए आने वाले दिनों में लाइन ऑफ एक्शन है, क्या सोच रहे हैं, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये बताइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी उन्हीं चीज़ों पर बात करिए जो कि बुनियादी इश्यूज हैं कराची के, वो कहते हैं कि जी कचरा कुंडी यहाँ पर बन गई है, यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, सूबे की डिमांड भी उनकी आ रही है, ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे। आप भी इन इशूज़ का जिक्र कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ आपने करप्शन के खात्मे के लिए भी सूबाई और वफाकी हुकूमतों को वार्निंग दी है, क्या करने जा रहे हैं ईद के बाद, क्या इन चीज़ों को लेकर आप सड़कों पर आएंगे, तहरीक चलाएंगे? आपने पहला जिक्र किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, सवाल यहां से शुरू किया, मैं जवाब भी वहीं से शुरू करता हूं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अल्ताफ हुसैन इन तमाम चीजों के में बराबर, इन तमाम तबाही बर्बादी में बराबर के शरीक रहे हैं, वो पार्ट ऑफ दी प्रॉब्लम रहे, वो पार्ट ऑफ दी सॉल्यूशन हो नहीं सकते। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों से पूछें, अल्ताफ हुसैन और उनके हवारियों से, कि ये पूछें कि ये सारा कुछ जो ये मरसिया पढ़ रहे हैं, ये क्या ये कुछ चांद पे रह रहे थे, एक दिन में हो गया सारा ये? भाई 8 सालों में 7 सालों तक तुम हुकूमत का हिस्सा रहे हो, तुम्हारे सामने ये शहर तबाह हुआ है, ये पार्ट ऑफ दी प्रॉब्लम रहे सारी। और ये अपनी शनाख्ती कार्ड ना मिलने पर, लंदन में अल्ताफ हुसैन की शनाख्ती कार्ड ना मिलने पर, लोगों को रोड पर निकालकर,
نمائش چورنگی پہ یہ مظاہرہ کر سکتے ہیں. انہوں نے آج تک شہر میں ان تمام حالات کے اوپر کوئی ایک بھی لوگوں کو کال دیے نہیں دیں گے. اس لیے نہیں دیں گے کہ ان کے الطاف حسین کا بال بال جو ہے وہ جرم میں جرائم میں ڈوبا ہوا ہے. ان کے بال بال جرم میں جرائم میں ڈوبے ہوئے ہیں. را کی فنڈنگ، را کے کنیکشن، عمران فاروق مرڈر کیس، منی لانڈرنگ اور ان سب کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس یہ دے چکے ہیں. یہ کسی حکومت وقت کے آگے لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کے کام کے لیے سعدیہ یہ آواز اٹھا ہی نہیں سکتے. یہ نہیں اٹھا سکتے آواز. یہ اسی طرح سے ڈرامے بازی کریں گے. آپ دیکھیں 7 مہینے، میں کی مثال دوں آپ کو جی، 7 مہینے ہو گئے ہیں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہوئے. سندھ حکومت جو ہے وہ ان کو یہاں پر نظامت کے کا اوت نہیں لے رہی. 7 سال بھی اسی طرح سے ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا رکھیں گے ان کو، یہ نہیں دیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اسی لیے حکومتوں کو ایسے لوگ چاہیے، ایسی پارٹیز چاہیے کہ وہ جس طرح چاہیں اس کو ڈیل کریں جو کہ جرائم میں ڈوبی ہوئی ہو. نقصان کس کا ہو رہا ہے 7 مہینوں سے؟ عوام کا ہو رہا ہے. میں یہی پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کبھی بھی اپنی ایک ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے. ورنہ مجال تھی کسی کی کہ لوگوں کے ووٹ دینے کے بعد، ایم کیو ایم کا میئر بننے کے بعد 7 مہینے تک وہ گھوم رہا ہو روڈوں کے اوپر اور یعنی ایک طرف جب یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ حکومت اختیارات نہیں دینا چاہ رہی، تو آپ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم خود بھی اختیارات لینے میں اس طرح سے راضی نہیں ہے یا وہ بھی نہیں لینا چاہ رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ ہو رہا ہے کراچی کے عوام کے ساتھ سارا. میں بالکل ڈرامہ ہو رہا ہے. میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب یہ اختیارات سندھ حکومت نے لیے ہیں تو یہ شامل تھے نا اس کی حکومت کے حصہ رہے ہیں. یہ کیا چاند پہ رہ رہے تھے؟ یہ اچانک آئے چاند پہ سے؟ یہ اچانک ان کو پتا چلا اختیارات چلے گئے؟ یہ اس کی حکومت کی اپوزیشن میں بھی نہیں تھے، یہ اس کی حکومت میں شامل تھے. یہ شہر ان کے سامنے اجڑا ہے اور انہوں نے اجاڑا ہے شہر کو. یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو یہ مینڈیٹ اپنے لیڈر کی غلط کاموں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو گرفتار پکڑا نہ جانے کے لیے ان کو یہ مینڈیٹ چاہیے لوگوں کا. ان کو الطاف حسین صاحب کو یہ لوگ اس لیے چاہیے، ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے الطاف حسین. الطاف حسین کو ضرورت ہے ان لوگوں کی. 4 لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں، ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے، انہوں نے لوٹ لیا ہے شہر کو، اس کمیونٹی کو، اردو بولنے والوں کو کی نسلیں تباہ کر دی ہیں. اب ان کو یہ پرابلم نظر آ رہی ہے کہ یہ شہر سے اختیارات چلے گئے. جب یہ اختیارات جا رہے تھے تو تم سو رہے تھے یہاں پر. آپ کہتے ہیں کہ پارٹ آف پرابلم ہے، پارٹ آف سولوشن کبھی بھی نہیں رہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ ایک سوال تو یہ بنتا ہے اور لوگ اٹھا بھی رہے ہیں کہ جب بھی متحدہ حکومت کا حصہ ہوتی ہے، اقتدار میں ہوتی ہے، تو صوبے کا جو مطالبہ ہے ان کا وہ کہیں غائب ہو جاتا ہے، وہ اس میں اتنی طاقت زور و شور نہیں ہوتا. اب اپوزیشن میں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں 50-50 کا فارمولا چاہیے ہمیں، آدھا تمہارا آدھا ہمارا کی بات کر رہے ہیں. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہوگا یا واقعی دے مین بزنس دس ٹائم؟ نہیں، ان کو 2 منسٹری زرداری صاحب دے دیں گے، یہ صوبے ووبے کے نعرے خود مٹا رہے ہوں گے. ہم 6 دفعہ دیکھ چکے ہیں یار، ہم نے اپنے ہاتھوں سے صوبے کے نعرے، صوبے کا نعرہ لکھا ہے، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے صوبے کے رحمان ملک صاحب جو ہے وہ جب 9-0 آ جاتے تھے 2 منسٹریز لے کے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے صوبے کا نعرہ مٹایا. کیا بکواس کرتے ہیں یہ یار، یہ میں کیسے سمجھاؤں لوگوں کو؟ لوگ آپ کو کیسے، آپ لوگوں کو بھائی یہ بہت بڑا فراڈ ہے سارا یہ سب کچھ. 2 منسٹریز ان کو دے دیں گے، یہ سب صوبہ ووبہ بھول جائیں گے. اور ابھی تو زرداری صاحب یہ منسٹریز بھی نہیں دیں گے ان کو، ان کی اوقات وہ منسٹریز والی بھی نہیں رہی ہے نا. اس لیے کہ اب پہلے تو ان سے ڈرتے ڈراتے تھے لوگ، اب یہ اتنے ایکسپوز ہو گئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی کیسز اتنے، اسی لیے تو ان کو بند نہیں کر رہے کہ ان سے کوئی تھریٹ ہے نہیں، نہ حکومت سندھ کو ہے نہ حکومت پاکستان کو ہے. میں نے پہلے دن بھی کہی یہ بات کہ اگر ان کا بس چلے آج کی پاکستان کی حکومتوں کا، تو الطاف حسین صاحب کو کوئی ایسی دوا پلائیں کہ ان کی حکومت 200 سال تک رہے اور ان کا مینڈیٹ یہاں پر ایسے ہی رہے. اس لیے کہ الطاف حسین صاحب کی موجودگی میں اور ان کی اس ایم کیو ایم کی موجودگی میں یہاں پر دوسری پارٹیز کی حکمرانی ہی رہے گی ان کے مینڈیٹ کے اوپر. جی
ویلکم بیک مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا مصطفیٰ صاحب کہ ابھی جس طریقے سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ سندھ حکومت کو بھی سوٹ کرتی ہے کہ جی ایم کیو ایم وہاں پر موجود ہے, کراچی کے عوام کو یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آ رہی, یا اگر آ رہی ہے تو پھر وہ ووٹ متحدہ کو ہی کیوں کرتے ہیں جس طریقے سے آپ نے بات کی تھی کہ ابھی ریسنٹ انسیڈنٹس دیکھ لیں, دو تین آگ لگنے کے واقعات اوپر تلے ہمیں نظر آئے, ایک ٹائر فیکٹری میں ہو گیا, ایک ریزیڈینشیل بلڈنگ میں ہو گیا, وہاں پر جناب فائر بریگیڈ نہیں پہنچا تو پھر ان کے پاس پانی نہیں تھا, لوگوں کا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. یہ تمام چیزیں ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں, پانی نہیں مل رہا ہے وہاں پر, لوگ سڑکوں پر آتے ہیں لیکن ووٹ پھر متحدہ قومی موومنٹ کو جاتا ہے. میں آپ کی اس والی بات سے جو ہے وہ ٹوٹلی ایگری نہیں کروں گا, پارشلی میں ڈس ایگری کروں گا آپ کی اس بات سے کہ ایک فینومینا تھا ہمارے آنے سے پہلے لوگوں کے سمجھنے کا, اور ایک تھا ہمارے آنے کے بعد. ٹھیک ہے, میں آپ کو ہمارے آنے سے پہلے کی ایک مثال دے دوں. میرے اور انیس قائم خانی بھائی کے آنے سے, یہاں پاکستان آنے سے, اور ان تمام باتوں کو لوگوں کو آواز دینے سے پہلے, 3 مہینے پہلے ایک الیکشن ہوتا ہے NH-246 کا. ٹھیک ہے, اس میں یہی رینجرز تھی, آپریشن کر رہی تھی, اور آپریشن پیک پہ تھا, 90 پہ ریڈ ہو چکی تھی, سب چیزیں تھیں, ہماری کوئی کہیں ہماری موجودگی نہیں تھی, کوئی گفتگو نہیں تھی, کوئی بات نہیں تھی. رینجرز کی موجودگی میں آپریشن ہوا اور یہ الیکشن ہوا, 1 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے بائی الیکشن تھا, 1 لاکھ ووٹ پڑا ہے, 99,000 سم تھنگ ووٹ پڑا ہے. ٹھیک ہے, ٹرن آؤٹ کافی کم تھا آپ کو پتا ہے, نہیں زیادہ تھا, 1 لاکھ ووٹ پڑا, ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا. میں اپنے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, اور بعد میں ٹرن آؤٹ کم رہا ہوں کہ بائی الیکشن, صحیح ہے جی بالکل. اس کے بعد ہمارے آنے کے 2 مہینے کے بعد 4 الیکشنز ہوتے ہیں, بائی الیکشنز ہوتے ہیں, 4 الیکشن, ایک نارتھ آباد میں ایم این اے کی سیٹ پہ, لائنز ایریا میں پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ, پھر پی آئی بی میں پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ 90 عزیز آباد پہ پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ. ان تمام چاروں کو اگر آپ ہمارے آنے کے بعد, یہ 4 جو بائی الیکشنز ہوئے, وہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ جہاں پر 1,65,000 ووٹ پڑے تھے, وہاں پر ٹوٹل 35,000 ووٹ پڑے ہیں سعدیہ. جہاں پر جو ہے وہ 76,000 ووٹ پڑے تھے, وہاں پر 18,000 ووٹ پڑے ہیں. جہاں پر جو ہے وہ 80,000 ووٹ پڑے تھے, وہاں پر تقریباً جو ہے وہ 7,000-8,000 ووٹ پڑے. ووٹنگ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 6% اور 9% پہ آ گیا ہے. ایون کہ عزیز آباد 90 جو کہ ایم کیو ایم کا گڑھ ہے, وہاں پر ان کے ایک پولنگ اسٹیشن میں 10,000 ووٹوں کی تعداد میں وہاں پر 600 ووٹ پڑتے ہیں. تو میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا آپ کی کہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی. لوگوں کو ہمارے آنے کے بعد یہ باتیں سمجھ آ گئی, جس سے آپ نے خود کمپیریزن کر کے بتا دیا کہ پہلے ٹرن آؤٹ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا, کم ہو گیا. 2018 کے لیے پاک سر زمین کے بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے, اور اب تو عید بھی آنے والی ہے. انیس قائم خانی صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ عید سے پہلے ہم کوئی بہت بڑی وکٹ گرانے جا رہے ہیں, تو ابھی انتظار رکھیں ہم. وہ ایسی کورٹ میں, ایک اسپر آف دی مومنٹ کورٹ میں ہم پیشی پہ گئے ہوئے تھے انیس قائم خانی صاحب, اور وہاں پر وہ جو نارمل چٹ چیٹ ہوتی ہے اس کی, جو آپ کے ہمارے جو دوست ہیں سارے یہ بیٹ کے لوگ ہوتے ہیں رپورٹر, وہ جب گھیر لیتے ہیں آپ سے, ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم سے تو یہی پوچھا جاتا ہے ہر وقت جو ہے وہ, تو وہ اس تناظر میں ایسے ہی ایک بات کر دی تھی. ٹو بی ویری آنےسٹ, ہم نے کسی وکٹ کے اوپر کوئی ٹارگیٹ نہیں کر رکھا ہوا ہے, ہمارے پاس اور کبھی نہیں کیا ہم نے ٹارگیٹ, اور نہ ہم آئندہ کریں گے. جو آ جاتا ہے قوم کو بتا دیتے ہیں. ہمارا ٹارگیٹ فوکس ہے آرگنائزیشن بنانا, عام پاکستان کے لوگوں کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں, اور 2018 کے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی بھرپور انداز میں ہم جو پارٹیسپیٹ. ٹھیک ہے, انیس قائم خانی صاحب کا ذکر ہوا ہے, تو ابھی پچھلے ہی دنوں 14 جون کو اخبارات کی زینت بنا یہ بیان, یہ ویڈیو بیان, اور ٹی وی پر بھی دکھایا گیا جہاں پر ایک طرف ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے, پیپلز پارٹی پروٹیسٹ کرتی ہے, ایم کیو ایم کے کارکن سعید بھرم کی ویڈیو ریلیز ہوتی ہے, تو وہ انیس قائم خانی کا نام لے کر کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے 3 لوگوں کو ٹارگیٹ کرنے کا ٹاسک دیا تھا. انیس قائم خانی صاحب نے شاہی سید کو, آفاق احمد کو, اور ذوالفقار مرزا کو. کیا کہیں گے اس بیان پہ؟ شکر ہے کہ تینوں لوگ جو ہیں وہ, ان کو کچھ بھی نہیں ہو پایا, اور شکر ہے کہ تینوں حضرات جو ہیں وہ زندہ ہیں. سب سے اچھی بات تو یہ ہے, اللہ کا شکر ہے. دوسری بات ہے کہ جہاں پر جی آئی ٹیز کی اور اس کی جو ہے مثالیں, تو اور اس کے بیان کی بات ہے,
تو انیس قائم خانی صاحب جو ایک آلریڈی ایک کیس میں پیشی پہ جاتے ہیں ان کے ہر دوسرے ہفتے, اور اس میں ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر عاصم صاحب سے فون کر کے دہشت گردوں کا جو ہے وہ یا جو لوگ ایم کیو ایم کے ان کا علاج کروایا. ڈاکٹر عاصم صاحب سے کبھی فون پہ ان کی زندگی میں بات ہی نہیں ہوئی ہے, اور اگر یہ کروانا بھی ہوتا تو انیس قائم خانی صاحب ڈیپٹی کنوینر تھے, انیس قائم خانی صاحب کا یہ کام نہیں تھا. پارٹی کے جو موڈس آپرینڈ آئے اس کے اندر انیس قائم خانی صاحب کا یہ کام نہیں تھا, اس کے لیے اور بہت سارے لوگ تھے. تو ابھی تو ہم یہ تو شکر ہے کہ ان کو اللہ کا شکر ہے کہ سارے تینوں افراد جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ حیات ہیں. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہاں تو ہم تو کیس بھگت رہے ہیں جناب, ٹھیک ہے, آلریڈی کیس بھگت رہے ہیں, اور اگر کوئی اور تحقیقات ہوتی ہیں کوئی اور کیس تو وہ بھی بھگتنے کو تیار ہیں. میرے پاس ٹائم تھوڑا ایک اور میں آخری سوال میں آپ سے کرتی چلوں کہ ابھی عید کے بعد جو تحریک کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے جیسے کہ پولیٹیکل پارٹیز اناؤنس کر رہی ہیں, اور خاص کر کرپشن کے خاتمے کے معاملے کو لے کر, پاک سر زمین بھی کیا سڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھتی ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں کرپشن ناٹ اٹ سیلف, کرپشن اوور آل گورننس کی بات ہے, اور ہم جو ہے وہ حکومت وقت کو مجبور کرنے کے لیے لوگوں کو اس طرح لاوارث چھوڑ نہیں سکتے نا کہ ہمارے پاس اگر مینڈیٹ نہیں ہے اور جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ جو ہے وہ ناک ناک تک جرم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پارٹنرز ان کرائم ہیں, چوروں کے ساتھ ہی مل گئے ہیں, تو ہم لوگوں کو اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے. تو لوگوں کے ایشوز کو لے کر لوگوں کی زندگی عذاب ہوگی اس پاکستان میں, ان شہروں میں بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کچرا نہیں اٹھ رہا, یہاں پر ہسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, لوگوں کو روزگار نہیں ہے, پرابلم. تو ہم ان ایشوز کو جو ریئل جینوئن ایشوز ہیں لوگوں کو لے کر ہم کوئی کال دے سکتے ہیں. ہم نے اپنا لائحہ عمل کا اعلان کرنا ہے عید کے بعد. میں نے ایک مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اپنی گورننس ٹھیک کرے, ناٹ اونلی کرپشن, میں پوری اوور آل گورننس کی بات کر رہا ہوں. اور یہ نہیں ہوگا تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, اور جن کے پاس مینڈیٹ ہے جو الیکشن جیتے ہوئے وہ تو ہمارے ساتھ پارٹنر, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو صرف اس والی بات کی پرابلم ہے کہ ان کو فی طرح زکات وہ کلیکٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, الطاف حسین صاحب کی تقریر کھلے گی نہیں کھلے گی, اس چکر میں صرف وہ جو مذاکرات کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. تو ہمارا وہ چکر نہیں ہے, لوگوں کو میں لاوارث نہیں چھوڑوں گا. صحیح ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اپنی گورننس درست کر لیں, ایک مہینے کا وقت ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے پہلی وارننگ دی گئی ہے, نہیں تو وہ سڑکوں پر آنے کی کال بھی دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب آج پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. That's all for tonight. اجازت دیجئے, خدا حافظ.